नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस का जो सेकंड रिजल्ट जारी किया गया है, इस में सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट के विद्यार्थी को क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में जो डाटा बताने वाले हैं यह दोस्तों कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा और कुछ कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आखिर किस शिफ्ट के विद्यार्थी कितने क्वालिफाई किए गए हैं और आप कौन सी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और आप देखते हैं कि किस शिफ्ट के विद्यार्थियों को ज़्यादा क्वालिफाई किया गया है। तो दोस्तों, आपके सामने डाटा यह रहा यूपी पुलिस का सेकेंड रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो सेकेंड रिजल्ट में जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए गए हैं वह दोस्तों 40,000 विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर चार शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 जून, 19 जून को, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को, इन चार डेटों में एग्ज़ाम हुआ था। बात करें दोस्तों क्वालिफाई की, तो यहाँ पर 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, इस दिन के 35% विद्यार्थी को क्वालिफाई किया गया है। यानी कि दोस्तों 40,000 में से 35% विद्यार्थी केवल 18 जून की डेट वाले यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। जो दोस्तों 40,000 का यहाँ पर 14,000 निकल के आ गए, यानी कि जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था उस डेट के विद्यार्थी को सेकंड शिफ्ट में 35% जगह मिली। यानी कि 14,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 18 जून को एग्ज़ाम दिया था। वहीं बात करते हैं 19 जून की, तो दोस्तों 19 जून को भी सेम कंडीशन यही रहेगी कि जो 35% विद्यार्थियों को ही यहाँ पर 19 जून वालों को क्वालिफाई किया गया है, लगभग 14,000। तो दोस्तों, यह दोनों 18 और 19 दोनों शिफ्टों के मिलाकर यहाँ पर टोटल हो जाते हैं दोस्तों 28,000 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाते हैं। कितने 28,000 स्टूडेंट हो जाते हैं जो कि सेकेंड रिजल्ट में क्वालिफाई किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 अक्टूबर की, तो दोस्तों 25 अक्टूबर को यहाँ पर 15% क्वालिफाई किए गए हैं और दोस्तों 26 अक्टूबर को भी यहाँ पर 15% के लगभग ही यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। यानी कि दोस्तों 40,000 में से दोस्तों 15% यदि आप निकालोगे तो 6,000 और 6,000 विद्यार्थी यहाँ 25 और 26 अक्टूबर के यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं सेकेंड रिजल्ट में। तो दोस्तों, इन चारों डेटों का एग्ज़ाम जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए गए हैं, यह टोटल संख्या 40,000 विद्यार्थी हैं। दोस्तों, इन 40,000 विद्यार्थियों को जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज बताया है, यह दोस्तों कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है। एकदम एक्यूरेसी के साथ मैंने यह डाटा आपको नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों एक्यूरेसी के साथ अभी बोर्ड ने भी नहीं बताया है कि किस शिफ्ट के विद्यार्थी को कि क्वालिफाई किया गया है और किस के नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग मेरिट के हिसाब से हर दिन की मेरिट बनती है और हर दिन मेरिट बनने के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाता है और उस हिसाब से यहाँ पर विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाता है। दोस्तों, 18 जून और 19 जून को इसलिए यहाँ पर इसने विद्यार्थी को क्वालिफाई किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देने वाले 18 जून और 19 जून को ही थे। क्योंकि दोस्तों 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को इतने विद्यार्थी नहीं थे जितना कि 18 और 19 जून को थे। तो दोस्तों, यह डाटा मैंने जो आपको बताया है यह दोस्तों केवल और केवल ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए, एक्यूरेसी के साथ नहीं है। और दोस्तों, यदि आपको तो यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।